आदरणीय सभापति महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत ही एक हमारे यहाँ पर हमारी सिरसा लोकसभा में गाड़ी संख्या 54641 54642 जो कि संसदीय क्षेत्र के नरवाना विधानसभा से टोहाना और जाखल के रूट पर चलने वाली एकमात्र गाड़ी थी, वो हर वर्ष 3-4 महीने के लिए बंद हो जाती थी। तो मैंने आदरणीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया तो उसके बाद से वो रेलगाड़ी जो है वो चलनी स्टार्ट हो गई और वहां के लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ। तो इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मंत्री जी के कोई समय था कि रेल का बजट जो है वो बिल्कुल अलग से जो है पेश किया जाता था, तो उसमें बहुत सी हमारी जितनी भी समस्याएं जो लोकल हमारे एरियाज की होती थी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो वो माननीय मंत्री जी को सभी बड़ी अच्छी तरह से विस्तार से दे सकते थे। लेकिन क्योंकि अब मर्ज होने के बाद, लेकिन फिर भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सभापति जी आपने फिर भी सबको पूरा समय जो है वो रेल पर बोलने के लिए सभी को दिया है। तो इसमें मेरे एरिया से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं हैं जिसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि एक तो जो सिरसा लोकसभा है, पिछले 70 सालों में पहली बार वहां पर आप लोगों के आशीर्वाद से कमल का फूल खिला है, लेकिन रेलवे लाइन से वो बिल्कुल जो है कटा हुआ है। वहां के लोग जो हैं वो रेलवे के लिए मंत्री जी तड़पते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 25 साल पहले गाड़ी संख्या 099/100 ये वहां पर ब्रॉडगेज करने के लिए उसको बंद कर दिया गया था। वो ब्रॉडगेज का सिस्टम वहां पर चल हो गया, लेकिन वो गाड़ी उसके बाद से चली नहीं। आप ये देखिए, पहले मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हालांकि जो अपनी डिमांड्स के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले खूब तालियां बजती थी कि हाँ ठीक है कि कांग्रेस की जब सरकार थी, और आप हैरान होंगे कि 100 में से 99 प्रोजेक्ट ऐसे होते थे कि जो धरातल पर कुछ नहीं होता था उनमें काम, 100 में से 1 प्रोजेक्ट कोई चलता था तो चलता था। लेकिन बस ठीक है, सब यहाँ पर बैठे हैं, रोज तालियां बज जाती थी। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग अगर काम होने वाला होता है तो कहते हैं कि होगा, नहीं होने वाला होता है तो नहीं कहते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो मैंने आपको बताया कि 25 साल से इसको आप दोबारा चलाइए, और या तो, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इंटरसिटी जो दिल्ली से कनेक्टिविटी जो है वो हमारे सिरसा की बने। और एक इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि एक आपने पीपीवी मोड में जो है वो हमारे हिसार से फतेहाबाद होते हुए सिरसा के लिए एक ट्रेन के लिए आपने यस किया है, लेकिन आपने पैरेलल ये कहा कि वहां पर भट्टू से एक ट्रेन जा रही है, तो इसलिए बिल्कुल पास में 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक नई लाइन नहीं बनेगी। लेकिन आपने वैसे सब कुछ पास किया हुआ है, अगर हरियाणा सरकार उसमें एग्री करती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी हमारी सरकार की योजना है कि किसान जो है वो किसान रेल चलाने के लिए, तो मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर मैक्सिमम एग्रीकल्चर बेस है, वहां कोई साधन नहीं है इसके सिवा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप जो वो किसान रेल चलाना चाहते हैं तो अगर आप उस इलाके में चला देंगे तो हमारे वहां के लोगों को बहुत जबरदस्त फायदा इससे हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने पिछले दिनों में रिक्वेस्ट किया था कि डबवाली में एक जो ट्रेन है, देखिए प्लीज 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 कि डबवाली में एक ट्रेन है, मैंने रिक्वेस्ट किया था 19225 19226 जम्मू तवी। डबवाली में पूरे हरियाणा में एक ही स्टॉपेज बनता है, लेकिन वो स्टॉपेज नहीं दिया गया, जबकि वो स्टॉपेज बनता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको कह के प्लीज वो स्टॉपेज जो है वहां पर जरूर करवाएं। और इसके साथ साथ नरवाना जो इलाका है, उस नरवाने में भी जाखल की तरफ जो एक ट्रेन जाती है वो जींद में जाकर रुक जाती है। अगर आप जाखल में उसको वापस लाकर वहीं से वो चला दें तो बहुत ज्यादा आपकी मेहरबानी होगी। और इसके साथ साथ एलनाबाद की मैं बात करूं, हमारे वहां पर एक छोटा सा इलाका है एलनाबाद है, तो वहां के लोग भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर परेशान है कि वहां पर भी अगर स्टॉपेज एक एलनाबाद में भी हो जाए जो सॉरी ट्रेन सर प्लीज खांसी आ गई, देखो आप थोड़ा आप ऐसे मत करो, थोड़ा थोड़ा करने दो सर थोड़ा सा। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीकानेर बिलासपुर अंत्योदय एक्सप्रेस, इसका 14719/14720 इसको अगर एलनाबाद में इसका ठहराव अगर बनता की बहुत पुरजोर मांग है, तो मेरे इलाके को आप लोग बचा लीजिए। बच्चे वहां पर जो है ना जी वो ड्रग्स में जा रहे हैं क्योंकि उनको कोई साधन नहीं मिल रहा है इधर उधर। अगर आप जो है ये दिल्ली तक का सिरसा दिल्ली को कनेक्टिविटी किसी भी तरह से आप अगर तरीके से कर देंगे तो हमारे वहां के इलाके के जो युवा हैं उनको जबरदस्त तरीके से रोजगार मिलेगा, और हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जाने की बजाय रोजगार के लिए इधर को निकलेंगे। बहुत रिमोट इलाका है, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड एरिया,
तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सिरसा का खास ध्यान रखिए। और एक और एक बात आखिरी कहना चाहूंगी, कि हमारे वहां का जो रेलवे स्टेशन है सिरसा का 138 साल पुराना, लेकिन उसकी तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मंत्री जी कि उस 138 साल पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ आप ध्यान दीजिए, और अगर वहां पर वॉशिंग स्टेशन बन जाए तो कहने क्या है, चारों तरफ आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।